पिज्जा और ये है हमारा फलाफल बर्गर। गाइस अभी हम भोपाल पहुंच चुके हैं और अभी हम बोटिंग करने आए हैं। बोट क्लब, आप पीछे लेक देख सकते हैं, उधर हम अभी बोटिंग करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे बोटिंग करेंगे, तो मजा आए। तो गाइस अभी हम यहाँ पे छोले टिक्की खाएंगे, तो यहाँ पे भैया बना रहे हैं अभी, तो जब आ जाएंगे तो मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। हमारी छोले टिक्की आ चुकी है, ये देखिए, तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। तो गाइस हम बोट क्लब आ चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो लेक के अंदर कितनी सारी बोट्स हैं। तो हम मोटर बोट में जाएंगे, वो वाइट कलर की बोट है मोटर बोट, और अगर टिकट मिलेगी तभी जाएंगे। और देखिए यहाँ पे कितने सारे स्वान्स हैं, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो मजा आएगा। मैं आपको दिखाते रहूंगा कि कैसे मोटर बोट चलेगी, कैसे मजे करेंगे। तो गाइस ऐसी मोटर बोट में जाएंगे हम, आप देख सकते हैं। Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful. So guys, मैंने यहाँ पे boating करना, यहाँ पे boating करने का मेरे को बिल्कुल extreme मजा आ गया। Motor boat की तेज चलती थी, बिल्कुल हवा आने का मजा आ गया। आप एक बार यहाँ पे जरूर visit कीजिएगा और आप चाहे तो मोटर बोट ही लीजिएगा, बहुत ही मजा आया था इसको राइड करने में। तो गाइस अभी हम आ चुके ग्रीन हाउस बिस्तरों अपना डिनर करने के लिए। तो हमने इंडियाना पिज्जा मंगवाया और एक फलाफल वाला बर्गर मंगवाया, तो जब वो आएगा तो मैं आपको टेस्ट करके बता दूंगा। तो गाइस ये है यहाँ का फार्म, जो भी यहाँ के स्टाफ्स होते हैं वो ये वेजिटेबल्स बाहर निकालते हैं और इनको डिशेस के लिए यूज करते हैं। कितना प्योर डिश होगा ना, सो इमेजिन करो। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है, तो ये है इंडियाना पिज़्ज़ा और ये है हमारा फलाफल बर्गर, हमें फ्रेंच फ्राइज के साथ दिया गया है। तो गाइस अभी मैं अपना फलाफल वाला बर्गर खाने जा रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको टेस्ट बताता हूँ। तो गाइस अब मैं पिज्जा टेस्ट करने वाला हूँ, इंडियाना पिज्जा। तो गाइस ये जो कैफे था ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ का जो खाना था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बिल्कुल अच्छे से अरेंज किया हुआ था, मेंटेन जगह थी, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे विज़िट करके। तो आप भी एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी खाना था और यहाँ का पिज़्ज़ा ज़रूर एक बार ही खाइएगा, बहुत टेस्टी था। गाइस हमारे यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ना आइटम्स वगैरह रखे होंगे, तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब रूम टू देना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लगेज रखने का एरिया होगा और यहाँ पे हम लगेज रख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे रखने के यहाँ पे थोड़े कप्स मिलेंगे, यहाँ पे वापस ही थोड़ी बॉटल्स रखेंगे, यहाँ पे ये वॉश बेसन होगा। और गाइस ये इंडक्शन है और आप इसे कह सकते हो छोटा सा किचलेट है, और यहाँ पे थोड़ा अपना सामान रख सकते हैं। और जैसे यहाँ से बढ़ेंगे एक चेयर, पहले चेयर मिलेगी, फिर एक मिरर सा मिलेगा यहाँ पे आपको, और ये भी यहाँ पे एक केटल है, और यहाँ पे आप चाय कॉफी बनाने का थोड़ा सामान है, यहाँ पे प्लेट और स्पून है, और फिर यहाँ पे बेड आएगा, यहाँ पे आप सो सकते हो। उधर वहाँ पे टीवी और एसी का रिमोट और टीवी ये रहा।
गाइस ये कपड़े हैंग करने के लिए देखिए एक एक चीज है, आइटम्स है, यहाँ पे हमने टांगे भी हुए। गाइस ये वॉशरूम है, यहाँ पे आपको ये सब तो पता ही है क्या होता है, ये थोड़ा शावर टाइप आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये सिंक है, ये सोप है, यहाँ पे टूथब्रश, शेविंग किट और शैम्पू वगैरह ये चीजें हैं, और यहाँ पे एक गीजर होगा, थोड़े हैंगर्स होंगे, यहाँ पे टॉवल वॉवल आपको दिए देंगे यहाँ पे। गाइस ये बेसिक सा यहाँ पे एक होटल है, ये ठीक ठीक होटल है, मतलब आप यहाँ पे कर सकते हैं स्टे, बुरा भी नहीं है ये, अच्छा अच्छा है, ठीक है। तो मेरे को तो बेसिक सा लगा, तो अभी तो मैं यहाँ पे व्लॉग एंड कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।